हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम समझेंगे परचेज प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया क्या होता है। आप देख रहे होंगे ये सिंबल दिखा रहा है मेक इन इंडिया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेक इन इंडिया है और उस पॉलिसी का हम लोग कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। जब भी हम किसी टेंडर में कोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी टेंडर में कोट कर रहे हैं, तो मेक इन इंडिया पॉलिसी का, तो मेक इन इंडिया को शॉर्ट में मेक MII बोला जाता है। और जो इसकी परचेज प्रेफरेंस है उसको बोला जाता है परचेज प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया, PPMII भी पॉलिसी बोला जाता है, PPMII पॉलिसी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि मेक इन इंडिया का कंसेप्ट इसलिए आया कि जब हमारे हमारे कंट्री में हम लोग हमारी कंट्री में ही कोई भी आइटम बनाते हैं, और तो उसमें क्या होता है कि यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलता है। तो यहाँ के लोगों को अगर रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट देना है यहाँ के लोगों को, तो मतलब आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं करनी पड़ेगी। और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करनी पड़ेगी, उस आइटम की मैन्युफैक्चरिंग आपको इंडिया में करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि जो यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको कुछ परचेज में प्रेफरेंस मिले, फायदा मिले। मतलब आपका कोई सरकार का कोई टेंडर निकले तो उसमें ऐसा होगा कि जो जिनका इंडिया में जो बना रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से फायदा, उनको ज़्यादा फायदा हो, तभी तो वो प्रमोट होंगे। अगर कोई फायदा ही नहीं होगा, तो इसलिए सरकार ने, जब इसको आत्मनिर्भर भारत भी बोल सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत जब कोविड सिचुएशन आई थी उसी का एक पार्ट था आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत का वो एक पार्ट था कि सरकार ने दो पॉलिसी बनाई थी। एक तो पॉलिसी ये बनाई थी कि कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो जनरली जो 200 करोड़ से कम का टेंडर है, 200 करोड़ से कम के टेंडर्स हैं, वो सारे के सारे, कुछ को एक्सेप्शन बनाया है उन्होंने, उसके रूल्स है, पर 200 करोड़ से कम के जो भी टेंडर हैं उनकी जो बिड बनाएगी उसमें NCB टेंडरिंग करेगी, मतलब नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कि सपोज करो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जैसे मान लो कि बार्क ने कोई टेंडर फ्लोट किया या BRO ने कोई टेंडर फ्लोट किया, तो उस केस में जो वो 200 करोड़ से कम का टेंडर है, तो उसमें वही एंटिटीज मतलब वही कंपनियां कोट कर सकती है, वही कंपनियां पार्टिसिपेट कर सकती है जो कि इंडिया की कंपनियां हैं। इसलिए NCB, और ये रूल बना दिया कि NCB जो ICB है, 200 करोड़ से कम का अगर हो तो उस सिचुएशन में ICB टेंडर आपको नहीं करना है। ये एक तो रूल, सबसे पहला ये रूल बना दिया। दूसरा जो रूल बनाया उन्होंने, ये बनाया कि जो हमारे को मेक इन इंडिया की परचेज प्रेफरेंस देनी है, उसका मतलब क्या बनाया, उसका तरीका क्या बनाया, जो भी NCB टेंडर्स हैं, नेशनल कंपिटिटिव बिडिंग, उस टेंडर में जो भी बिडर पार्टिसिपेट करोगे उनको उनके लोकल कंटेंट के हिसाब से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कि आपको बिडर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि वो तीन पार्ट क्या होते हैं, ताकि उनको उस हिसाब से जो प्रेफरेंस दे सके। और उन्होंने क्या रूल बनाया वो हम लोग देखते हैं, बाद में हम लोग वहां पर आएंगे कि उन्होंने क्या किया कि परचेज प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया एक ऑर्डर निकला था 2017 में, जिसको कोविड सिचुएशन के टाइम 16 सितंबर 2020 को मॉडिफाई कर दिया। जून में पहले आया था 2020 में, जब कोविड आपको ध्यान है मार्च में आया था, तो 2020 में सितंबर के दौरान ये मतलब लास्ट अमेंडमेंट है, धीरे धीरे अमेंड। तो उन्होंने जो बिडर्स हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि अगर आपका जो, अगर मान लो कि कोई बिडर पार्टिसिपेट कर रहा है 0, 20, 50 और 100, उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया कि जो भी लोकल कंटेंट है, कोई भी बिडर पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई आइटम बना रहा है, तो हो सकता है कि कुछ आइटम वो इंडिया में रॉ मटेरियल जो है वो कुछ इंडिया में बनाता हो, यूज करता हो, और कुछ आइटम बाहर से लाता हो। सपोज करो कि हम लोग कोई 100% आइटम इम्पोर्टेड है, तो वो उसमें लोकल कंटेंट कितना होगा, जीरो होगा। और कोई 100% पूरा का पूरा रॉ मटेरियल भी यहाँ से आ रहा है, उसमें लेबर भी यहाँ की लग रही है, सब कुछ जो भी लग रहा है, उसका इनपुट जो भी लग रहा है, वो 100 का 100 इंडिया में बन रहा है, तो उसमें लोकल कंटेंट होगा 100%। तो ये लोकल कंटेंट है। तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया, जिन बिडर्स का लोकल कंटेंट 50 से 100 के बीच में है उनको क्लास 1 लोकल सप्लायर बोला, क्लास 1 लोकल सप्लायर। और जिनका लोकल कंटेंट 20 से 50 के बीच में है उनको बोला क्लास 2 लोकल सप्लायर। और जो
जो लोग जिनका 0 से 20 के बीच में है उनको बोला नॉन लोकल सप्लायर, जिनका मतलब बहुत मार्जिनल है, बहुत कम है, उसको बोला नॉन लोकल सप्लायर। और उन्होंने क्या रूल बना दिया कि जो एनसीबी टेंडर्स है, हालांकि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और उनका मतलब अलग अलग जो मिनिस्ट्री मंत्रालय उन्होंने अपने अपने नियम भी बनाए हैं, पर एक इन जनरल जो परचेज प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया है उसका कंसेप्ट यह है कि जो एनसीबी बिडिंग मतलब इंडिया के जो 200 करोड़ से कम के जो भी टेंडर होंगे सारे एनसीबी करने, उन एनसीबी में नॉन लोकल सप्लायर तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। आपको समझ में आया कि नॉन लोकल सप्लायर को पार्टिसिपेशन से, कि अगर आपका लोकल कंटेंट 0 से 20 के बीच में है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या तो आपका लोकल कंटेंट मतलब 20 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो 20 से 50 और 50 से 100, तो 20 से ज़्यादा होने वाले मतलब क्लास 2 और क्लास 1 ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि क्लास 1 को और प्रेफरेंस देना है उसको बोला जाता है परचेज प्रेफरेंस, क्योंकि मैं क्लास 1 50 से ज़्यादा लोकल कंटेंट डाल रहा है तो वो उसको एक प्रेफरेंस भी मिलेगी तो वो प्रमोट भी होगा, और जो 20 से कम है वाला तो बिल्कुल डिमोट हो जाएगा। 20 से 50 को एक भाई हाँ पार्टिसिपेट कर पाएगा पर उसको इतना प्रेफरेंस नहीं मिलेगी टेंडर में। तो आपको ये समझ में आया? अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो जो बनाया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्ट्री है उसने ये प्रेफरेंस बनाई है, उसमें भी जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल जो ट्रेड है मतलब इंडस्ट्री और इंटरनल जो ट्रेड है उसके प्रमोशन के पब्लिक प्रोक्योरमेंट डिवीजन ने ये पॉलिसी बनाई है। आप इस वेबसाइट की इस लिंक पे जाके सारी पॉलिसी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं, ये हमने वेबसाइट का रेफरेंस दिया है आप इजीली रीड कर सकते हैं। हालांकि हम लोग उसमें उन्होंने लोकल कंटेंट को डिफाइन भी किया हुआ है, लोकल कंटेंट मतलब आपने कितना इंडिया में एड किया है, जितना ज्यादा आप एड करेंगे इंडिया में, जितना ज्यादा एड करेंगे उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, इंडिया के लिए बहुत फायदा होगा। एक जो फायदा दूसरा है जो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो हमारा इंपोर्ट है अगर वो रिड्यूस होता है तो हमें डॉलर कम देने पड़ेंगे, हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसको सेव कर सकते हैं हम लोग। हमारे हमारी कंट्री के लिए ज्यादा बेटर क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, ये सबको ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी कंट्री के लिए जो ग्रोथ है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए और इंपोर्ट कम। हाँ ये जरूर है कि हमें कुछ सर्टेन चीज़ों के लिए इंपोर्ट करना ही पड़ता है, पर कोशिश करें, यही आत्मनिर्भरता का था कि हम लोग खुद पर निर्भर है और हमें लोगों को इंपोर्ट है वो कम से कम करना चाहिए। तो उन्होंने लोकल कंटेंट को अगर जो है हम टेंडर्स के केसेज में जो डिफाइन करेंगे वो ये होती है सेल प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड कंटेंट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस, मतलब अगर हम इसको लोकल कंटेंट बोलते हैं तो जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है या सेल प्राइस है माइनस इंपोर्टेड कंटेंट की इंपोर्टेड कंटेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल प्राइस। इनटू 100 तो कितना आ जाएगा परसेंटेज में लोकल कंटेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी सेलिंग प्राइस है मान लो 100 रुपीज, 100 रुपीज का आपका प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं और उसमें मान लो कि जो लोकल इंपोर्टेड कंटेंट की वैल्यू 50 है तो आपका जो लोकल कंटेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50% लोकल कंटेंट हो जाएगा। अब जो हम लोगों को इसमें जो सेल प्राइस है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो सेलिंग प्राइस आपकी 100 रुपीज तो उसमें आपको क्या माइनस करना है, डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। सरकार ने इसको थोड़ा और इंटरेस्ट मतलब थोड़ा हार्ड बनाया है कि भाई आपको जो टैक्स लग रहा है मान लो 100 रुपये है तो ये तो हमारी कैलकुलेशन हुई इस तरीके से, पर ये कैलकुलेशन नहीं करिए 100 रुपये में से आपको क्या घटाना है, जो भी कि यहाँ पर टैक्स लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स मान लो कि 118 मान लो कि 18% जीएसटी लग रहा है और आपका जो ये हम लोग इसको मान ले या मतलब कुल मिला के मान लेते हैं कि 100 माइनस 18 जीएसटी लग रहा है 18%, तो 100 माइनस 18 करना है। और दूसरा जो 50 जो प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कंटेंट इंक्लूसिव ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटीज, तो कस्टम ड्यूटीज ऐड करनी है, मान लो 50 रुपीज का आपने खरीद रहे हैं उसके साथ साथ कस्टम ड्यूटी भी आपको लग रही है, तो बाहर से आपने 50 रुपये का आइटम खरीदा और कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद जो आइटम आएगा वो उसको आपको कम करना है, तो इससे लोकल कंटेंट और कम हो जाएगा क्योंकि आप देखें ना कि ये भी चीज़ घट रही है और ये भी चीज़ घट रही है, तो जितने भी टैक्सेज हैं उनको सबको माइनस कर देना है। बेसिकली क्या हुआ कि आपकी जो यहाँ पर जो कॉस्ट थी माइनस टैक्स यहाँ भी माइनस हो रहा है और ये भी माइनस हो रहा है, ताकि आपका जो लोकल कंटेंट है उसको और इंस्ट्रिंजेंट बना दिया कि टैक्सेस को आपको कैलकुलेशन में नहीं लेना है, तो और डिवाइडेड बाय आप 100 करेंगे तो जो एक्चुअल लोकल कंटेंट आएगा वो लोकल, ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, पहले हमने जो किया था वो एक समझ देने के लिए कैलकुलेशन की थी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकल कंटेंट की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको कोई भी टेंडर में आप पार्टिसिपेट करेंगे 200 करोड़ से, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये
एप्लीकेबल हो उनकी मिनिस्ट्री के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के इससे रिलेटेड जो भी प्रोक्योरमेंट एंटिटीज है, जो जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वगैरह है, उनके लिए ये वैलिड है। तो आपको क्या होना पड़ेगा, अगर आपको 200 करोड़ से कम का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको क्लास 2 या क्लास 1 लोकल सप्लायर होना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑब्वियसली जो आईसीबी टेंडर है, जो हमने स्टार्ट में देखा था, ये तो एनसीबी टेंडर हुआ। आईसीबी मतलब होता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। उन टेंडर्स में नॉन लोकल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आप फॉरेन बिडर को ही अलाउ कर रहे हैं, तो फिर तो नॉन लोकल को भी अलाउ कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो गया कि जो नॉन लोकल सप्लायर हो उनको एक तरीके से हम फॉरेन बिडर मानते हैं, जिनका लोकल कंटेंट 0 से 20 के में है, उनको हम एक तरीके से फॉरेन बिडर अब मानने लग गए इस पॉलिसी के हिसाब से। तो अभी हमने देखा कि अब ये जो है आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होगा कि मान लो कोई भी प्रोक्योरमेंट एंटिटी, उसको कैसे पता चलेगा कि आप नॉन लोकल सप्लायर हैं या लोकल सप्लायर क्लास 1 है क्लास 2 है। तो उनके लिए बहुत सिंपल रूल बनाया है कि अगर आपको आपका अगर जो कोई भी टेंडर 10 करोड़ तक का है, तो आपको क्या है, बिडर को खुद ही एक अंडरटेकिंग देनी है कि हमारा लोकल कंटेंट इतना है, हमने यहाँ पर ये कोई भी जो भी आपकी यहाँ फैक्ट्री है वहाँ पर हमने इतना लोकल कंटेंट ऐड किया है, और आप उसको आपका परसेंटेज लोकल कंटेंट आपको बताना पड़ेगा। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, मतलब आपको कोई किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, खुद ही सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जो 10 करोड़ से ऊपर का कोई टेंडर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऑडिटर जो स्टेचुरी ऑडिटर है या जो कोस्ट ऑडिटर है कंपनी का, उनसे, या जो भी अगर आपको ऑडिटर का अगर आप कंपनी नहीं है, तो आपके जो भी चार्टर्ड कोस्ट अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंट है, उनसे आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमारा लोकल कंटेंट इतना है, सर्टिफाइंग दिस। तो आपको इनमें जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने सिंपल बनाई है, पर इसमें यह है कि वो जो बाद में जब आपको कोड मिल जाता है, उसके बाद आपको क्या होता है, वो वेरीफाई भी करते हैं कि एक्चुअल में है कि नहीं है लोकल कंटेंट। उसके लिए डिफरेंट मेजर्स होते हैं, अगर आपने फॉल्स अंडरटेकिंग दिए तो उसके लिए भी एक्शन होता है। पर हमारा जो फोकस है कि अगर आप एज ए बिडर आप कहीं कोड कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक अंडरटेकिंग जरूर देनी है कि मेरा लोकल कंटेंट इतना है और हमने इतना परसेंट लोकल कंटेंट कहाँ ऐड किया है इंडिया में, वो लोकेशन भी आप बताइए कैसे किया है। आपको अपने लेटर हेड पे ये एक अंडरटेकिंग देना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि सेल्फ सर्टिफिकेशन आपको ये हो जाएगा अगर 10 करोड़ से कम का है। अब पर ये जो लोकल, अभी हमने ये जो देखा था, इसमें ये देखा था कि भाई लोकल कंटेंट है, अगर 0 से 20 में तो आपको कोई मतलब नहीं है, पर 20 से 50 है तो आप कोट कर पाएंगे 50 से 100। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई क्लास 1 को जो उसको क्या फायदा रहेगा, फिर तो 20 से 50 में रख लेगा। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि जो इंडिया में अगर आप कोई वैल्यू एड कर रहे हैं, तो आप इससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, मतलब इंडिया में हमने प्रोडक्शन चालू किया, बढ़ाना चालू किया, तो उससे क्या होगी, आपकी कॉस्ट शुरू में बहुत ज्यादा रहेगी, रादर देन जब आप इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो सस्ते पड़ते हैं। जैसे मान लो चाइना से आप खरीदते हैं, उनके मैन्युफैक्चर वो जो वहां पर क्या है मास मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो सस्ते में पड़ते हैं। तो आपका क्या इंसेंटिव रहेगा कि आप क्लास 1 में जाओ, पहले ये तो 0 से 20 तो आपको चलो आपकी मजबूरी है कि भाई आप टेंडर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, पर 20 से 50 में और 50 से 100 में आपको क्या मजबूरी रही, मतलब 50 से 100 वाली रेंज में ही क्यों जाओ, आप क्लास 1 क्यों बनो। इसमें क्या है कि क्लास 1 है जो लोकल सप्लायर है, उनको क्या होता है क्लास 2 से प्रेफरेंस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो कि आपके पास एक टेंडर है, कोई भी एक पर्टिकुलर टेंडर निकला, और उसमें क्या हुआ कि 3 बिडर ने पार्टिसिपेट किया, 3 बिडर ने पार्टिसिपेट किया, और इसने 100 रुपीज प्राइस कोट करी, इसने जो है मतलब इसने मान लो कि 105 रुपये प्राइस कोट करी, इसने 130 रुपये कोट करी। तो जो भी सबसे लोएस्ट प्राइस कोट करता है उसको लोएस्ट बिडर बोलते हैं, L1 बोल देंगे, फिर उसके बाद वाला को L2 बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे L3। L1, L2, L3 का मतलब है लोएस्ट, जो सबसे लो, L का मतलब लोएस्ट वाले से, लोएस्ट फर्स्ट, लोएस्ट सेकेंड, लोएस्ट थर्ड, इस टाइप से। तो उसने मान लो कि यूनिट प्राइस जो है 100 रुपीज कोट करी, और आपकी मान लो कोई भी आइटम था उसकी क्वांटिटी है मान लो कि 12 मेट्रिक टन आपका क्वांटिटी कोई थी उसका ऑर्डर करा है, और पर मेट्रिक पर जो है पर यूनिट जो प्राइस है वो यहाँ पर कोट किया, और इन इन करोड़ है ना, करोड़ रुपीज में। तो अगर मान लो कि अभी इसमें अपन देखते हैं कि जो L1 बिडर है वो मान लो कि क्लास 1 सप्लायर है, L2 बिडर है क्लास 2 सप्लायर है, L3 बिडर है क्लास 3 सप्लायर है, नो सॉरी नॉन लोकल सप्लायर है, मतलब इसका जो है 20 से 50 के बीच में लोकल कंटेंट है, इसका 50 से 100 के बीच में लोकल कंटेंट है,
और इसका 0 से 20 के बीच में है। तो ये जो बिडर है इसको तो हम लोग जो भी टेंडर करने वाले हैं वो उसको रिजेक्ट ही कर देंगे, उसका ऑफर, उसका वो जो ऑफर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी हम लोग ये समझ। और L1 जो बिडर है वो क्लास 1 सप्लायर है, तो उसको क्या होगा कि L2 से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, पर यहाँ पर वो खुद ही लोएस्ट है इसलिए कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। पर प्रेफरेंस कैसे मिलती है, सपोज करो हम लोग दोबारा समझते हैं इसी एग्जाम्पल में L1, L2, L3, और ये जो है 100 रुपीज, ये 105, और ये है मान लो कि 13, 105, ऐसा प्राइस कोट करिए। एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं, सब करोड़ में L1 जो बिडर है वो क्लास 1 नहीं है, मतलब वो क्लास 2 सप्लायर, और L1 बिडर, L2 बिडर है वो क्लास 1 है, और L3 बिडर है वो भी क्लास 1 है। मतलब समझ रहे हैं आप कि मतलब उनका लोकल कंटेंट उससे उसके पास में 20% में है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो L1 बिडर है वो क्योंकि वो क्या है कि क्लास 1 सप्लायर नहीं है, L2 और L3 क्लास 1 सप्लायर है, तो उन दोनों को क्या है कि परचेज प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। पर सबसे पहले क्या है, L2 बिडर को मिलेगा, उसको बोलेंगे, उसको उसको बोला जाएगा कि आप क्या करो, L1 बिडर की प्राइस मैच कर दो, मतलब आप भी 100 रुपीज में अगर देने के लिए तैयार हो तो 50% ऑर्डर आपको मिल जाएगा, 50% ऑर्डर आपको मिल जाएगा, मतलब जो 12 मेट्रिक टन है 6 मेट्रिक टन इसको ऑर्डर मिल जाएगा और 6 मेट्रिक टन इसको ऑर्डर मिल जाएगा। तो क्लास 1 को क्या होगा, परचेज प्रेफरेंस मिलेगी। क्लास 1 को क्या मिलेगा, परचेज प्रेफरेंस मिलेगी। उसको सबसे पहले बोलेंगे कि यार तुम अगर 105 है, पर तुम क्योंकि क्लास 1 हो तो तुम्हें यू हैव एन ऑप्शन टू मैच योर प्राइस विद द L1 बिडर। इफ यू मैच देन वी विल गिव यू हाफ क्वांटिटी 50% ऑर्डर। तो 50% परचेज प्रेफरेंस मिलती है जो भी क्लास 1 बिडर है अवर द क्लास 2 बिडर। और अगर मान लो कि ICB टेंडर है तो अवर द नॉन क्लास बिडर, क्योंकि ICB में जो नॉन लोकल सप्लायर है उसको भी पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन होता है। तो जो हाँ हमारा जो 50% प्रेफरेंस मिलेगी किसको मिलेगी, केवल क्लास 1 को ही मिलेगी, क्लास 2 को नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। पर क्लास 1 और क्लास 2 जो क्लासिफिकेशन वो इसलिए किया गया क्योंकि क्लास जनरली जो NCB टेंडर्स हैं जो कि जिनमें केवल केवल इंडियन बिडर्स कोट कर सकते हैं, उन केसेज में नॉन लोकल सप्लायर को पार्टिसिपेट करने के लिए ही अलाउ नहीं करते आपका 20%। तो इसको भी आधा ऑर्डर मिल जाएगा, इसको भी आधा ऑर्डर मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आधा ऑर्डर लेना है, कई बार क्या होता है कि कई लोग अपने टेंडर में ही जो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे बिडर्स हैं उनको ये प्रेफरेंस का मालूम नहीं है, इसलिए वो उसमें एक सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं, उनको जस्ट एक अंडरटेकिंग देनी है, जनरली सारे 10 करोड़ से कम के ही होते हैं, एक अंडरटेकिंग देनी है और उसमें लिखना है कि वी हैव दिस मच ऑफ लोकल कंटेंट मेड इट हेयर एंड वी कंफर्म दैट वी कंप्लाई विद दिस परचेज प्रिफरेंस एंड प्लीज गिव अस द परचेज प्रिफरेंस। जैसे ही आप ये क्लेम करेंगे तो और अगर मान लो आप बाई चांस, क्योंकि आप कंपिटिटिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप L2 बिडर हो जाए, मान लो सपोज करो कि प्राइस 101 100 है, पर आपने मान लो कि 100.3 रुपीज कोट किया, तो आप तो मैच कर ही दोगे ना, मतलब आपको तो भाई हाँ ठीक है भाई, आपने आपके हिसाब से किया तो 3 बुक के लिए आपको 50% ऑर्डर मिलता है, 6 मेट्रिक टन क्वांटिटी का ऑर्डर मिलता है, तो आप क्या करोगे इसको मैच कर दो। सपोज करो कि यहाँ पर ये जो बीडर है L2 बीडर वो बोलता है कि मैं नहीं मैच कर पाऊंगा उसके सर्टेन कंस्ट्रेंट है, तो L3 जो बीडर है उसको भी ऑप्शन, अगर वो भी क्लास 1 है तो उसको भी ऑप्शन दिया जाएगा, उसको बोलेंगे अगर L1 2 नहीं करेगा उसी केस में, उसको बोलेंगे तुम मैच कर दो, तुम्हें 50% ऑर्डर दे देंगे। तो आपको ये चीज समझ में आया ही होगी। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो बीडर है आपको क्लास 1 तो होना है, पर उसके साथ साथ सपोज आपकी जो प्राइस हो 20% में ही आनी चाहिए L1 की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आपने कोट किया हुआ प्राइस 130 रुपये, 130 रुपये, तो आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, भले ही आप क्लास 1 हो, पर आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए, L1 के 20% में ही होनी चाहिए, L1 प्लस 20% ही होनी चाहिए। ये आपको कंडीशन भी ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे ये किस लिए रखा गया है कि आपने कंपिटेटिव प्राइस कोट करी थी पहले ही, ऐसा नहीं कि 130 बहुत ज्यादा प्राइस कोट करी थी फिर तो आपको मैच कराना ही, तो आप करोगे भी नहीं एक सी प्रॉपर्टी, और दूसरा आपको करा के कराना भी हो सकता है आपके लिए फिजिबल नहीं हो, तो कोई भी मान लो आप बाद में ऑर्डर नहीं दे पाओ, सप्लाई नहीं कर पाओ, अभी ऑर्डर ले लो, इसलिए उनको ही बोलते हैं जिनकी प्राइस 20% के अंतर्गत हो L1 के। इसमें आप ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं L3 बीडर है, उसकी प्राइस है 115, सॉरी L4 बीडर है उसकी प्राइस है 135, वो भी क्लास 1 होगा तो उसको भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा, केवल इसी को ऑप्शन मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब इसमें क्या होता है, एक और कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट आता है कि मान लो कि आपके पास अभी तो 12 मेट्रिक क्वांटिटी थी, उसको 50-50% में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो कि आप एक मशीन खरीद रहे हो, वो मशीन खरीद रहे हो, सिंगल मशीन, वन मशीन खरीद रहे हो, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, बहुत बड़ी मशीन खरीद रहे हो मान लो कि, और उसकी एक बिडर ने, पहले बिडर ने 100 करोड़ रुपीज प्राइस कोट करी है। L2 जो बिडर है उसने मान लो कि 115 करोड़ रुपीज प्राइस कोट करी है। L3 जो बिडर है उसने 112-113 करोड़ रुपीज प्राइस कोट करी है, या हम लोग इसको 116 करोड़ ले लेते हैं। और L4 जो हमारा बिडर है उसने जो प्राइस कोट करी है वो मान लो कि उसने 130 करोड़ रुपीज प्राइस कोट करी, और ये मान लो कि क्लास 2 बिडर है, और ये बिडर है क्लास 1, ये भी क्लास 2 है फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारा है बिडर क्लास 1 बिडर, और ये हमारा है क्लास 1 बिडर, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि L1 बिडर खुद क्लास 1 होता तो हम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, उसी को पूरा ऑर्डर दे देते दे। हमारा उद्देश्य था कि भाई जो लोकल कंटेंट वाला है उसको भी ऑर्डर मिल रहे, तो हमने पहले ही देखा था कि अगर उस क्लास 1 होता, फॉर एग्जाम्पल L100 करोड़ होता, तो उसको पूरी एक मशीन का ऑर्डर दे देते। पर यहाँ पर जो L1 है वो क्लास नहीं है, पर हमने देखा कि एक बिडर और है जो दो बिडर और है जो क्लास 1 है, ये भी है और ये भी है, पर ये क्लास 1 को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, और इसको तो कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी क्योंकि तो क्लास 1 है ही नहीं। तो इस L3 बिडर को बोला जाएगा कि भाई तू अगर मैच करता है प्राइस, अगर 100 करोड़ में देते हो, 100 करोड़ में प्राइस देने के लिए तैयार हो, 100 करोड़ में ऑर्डर लेने के लिए तैयार हो, तो हमको अब इसमें तोड़ तो सकते नहीं मशीन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी मशीन का ऑर्डर उसी को देना पड़ेगा, पर वो 100 करोड़ में तैयार हो। तो आपको समझ में आया होगा जब क्वांटिटी स्प्लिटेबल नहीं है तब कैसे हम ऑर्डर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप कभी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करिए, इस प्रेफरेंस का जरूर यूज करिए, आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए सो देट हम लोग आप मोटिवेट हो सके और इस टाइप के और वीडियो बना सके।